अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्लाह पाक के रहम करम से बहुत ही मज़े में होंगे। फ्रेंड, आज आपके साथ मैं बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त एक फेस पैक शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आपकी तमाम स्किन प्रॉब्लम का हल है। पूरी स्किन का, आपके जितने भी स्किन के ऊपर मसाइल हैं उनका ये हल है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी स्किन पर एक्नी है, दाग धब्बे हैं, छाइयाँ पड़ चुकी हैं, रिंकल आ चुके हैं, इससे पहले आप इस फेस पैक को यूज़ करेंगे, आपकी तमाम परेशानियां हल होने वाली हैं। इसीलिए क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही फ़ायदा मंद चीज़ है। फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कलवंजी से अपनी स्किन के तमाम मसाइल कैसे हल कर सकते हैं। आपको पता ही है सिवाय मौत के ये तमाम बीमारियों का इलाज है। इसीलिए आज मैं आपको बताऊँगी कि आप अपनी स्किन के तमाम मसाइल इससे कैसे हल कर सकते हैं और अपनी स्किन को नीट और क्लीन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड हमें चाहिए होगी कलवंजी। कलवंजी को आपने अच्छे से कर लेना है ग्राइंड। ग्राइंड करने के बाद आपने इसका अच्छे से बना लेना है पाउडर। मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ है, इसीलिए मैं आज आपके साथ, मैंने ये पाउडर पहले से तैयार करके रखा हुआ है, इसको मैं कर दूंगी साइड पे। दूसरी चीज़ हमें जो चाहिए फ्रेंड, दही। दही आपने फ्रिज के अंदर रख के इसको अच्छे से ठंडा कर लेना। हमें ठंडी ठंडी एक चम्मच इसके अंदर दही का चाहिए और इतना ही हमें कलवंजी पाउडर चाहिए। और लास्ट चीज़ जो हमने इसके अंदर ऐड करनी है फ्रेंड, वो है शहद। शहद आपको पता है कि तमाम हमारी स्किन की प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छा होता है और कलवंजी उसकी तो फिर क्या बात है। तो दही जो है हमारी स्किन के ना सिर्फ छाइयों का इलाज करती है बल्कि हमारे दाग धब्बे बन जाते हैं जो फेस पे, जो एक्नी बन जाती है, इन तमाम मसाइल का दही भी हमारे फेस पे हल करती है, ख़त्म करती है। इसको आपने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमने इसको कर लिया अच्छे से मिक्स। ये आप देख सकते हैं कि कितने ही प्यारी एक क्रीम सी तैयार हो चुकी है। ये बिल्कुल आपने जिस तरह एक कोई क्रीम हम तैयार करते हैं, आपने बिल्कुल क्रीमी शेप में इसको अच्छे से कर लेना है तैयार। अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है, अपने फेस पे आप इसको इस तरह से अच्छे से लेप कर लीजिएगा। अगर आप ये डेली यूज़ करेंगे तो आपको इसका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपकी जो छाइयाँ हैं फेस पे पड़ चुकी वो भी बहुत ही जल्दी रिमूव हो जाएंगी और दाग धब्बे जो हैं वो भी, और शाइनिंग तो बहुत अच्छी आ जाएगी आपके फेस पे। आहिस्ता आहिस्ता हफ्ते में आप देखेंगे कि आपका चेहरा कितनी शाइनिंग आ चुकी है चेहरे पर और कितना वाइट हो चुका है। इसको आप, हमने कर लेना है 10 मिनट के लिए ड्राई। 10 मिनट हमने इसको ऐसे छोड़ना है। जी फ्रेंड, हमारे 10 मिनट हो चुके हैं कंप्लीट। अब आपने इसको जिस तरह से उतारना है इस तरह से आपने इसको उतारना है। अगर आप इस तरह से इसको अच्छे से मसाज करके उतारेंगे, इससे आपकी छाइयाँ जो हैं आपकी बहुत ही जल्दी रिमूव होंगी और दाग धब्बे जो हैं वो भी कम होंगे। अच्छे से 5 मिनट हमने इसकी करनी है क्लिंजिंग। अच्छे से आपने 5 मिनट इसकी कर ली क्लिंजिंग, फिर आपने इसको अच्छे से साफ कर देना। जी, हमने इसको कर लिया अच्छे से साफ। आप देख सकते हैं कि पहली दफा के इस्तेमाल से मेरी स्किन कितनी सॉफ्ट और नीट मैं फील हो रही है। आप देख सकते हैं जिस पे मैंने अप्लाई किया उसकी शाइनिंग आप देख सकते हैं, जिस पे मैंने अप्लाई नहीं किया उस पे आप देख सकते हैं कि मेरे हैंड पे कितनी पहली दफ़ा के इस्तेमाल से शाइनिंग आ चुकी है। अगर आप रोज़ एक दफ़ा इसको यूज़ करेंगे या फिर आप एक डे छोड़ के दूसरे दिन भी यूज़ कर सकते हैं, आप देखेंगे कि आपकी स्किन पे कितनी अच्छी शाइनिंग आ जाएगी और आपकी छाइयाँ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी और दोबारा बिल्कुल नहीं आएंगी। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।